गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय अठारह प्रायिकता, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इस प्रश्न अठारह प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। इस प्रायिकता वाली प्रश्नावली का जो अंक भार है बोर्ड परीक्षा में, वो 4 अंक का था अंक भार। यदि आपके इस पाठ्यक्रम में कटौती होती है तो अंक भार ये बढ़ भी सकता है आपका, तो एक सरल और एक आसान प्रश्नावली इस श्रेणी में आती है। तो यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आराम से इस प्रश्नावली के बारे में सीख जाएंगे। तो देखो, प्रायिकता का सामान्य सी भाषा में प्रायिकता का सामान्य अर्थ होता है, प्रायिकता का सामान्य अर्थ है संभावना या संभवतया भी कहते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना या संभवतया, यानी हम जब भी कोई कार्य करें तो यदि उस कार्य के परिणामों के बारे में हमें निश्चिंत न हो तो वहाँ संभावना शब्द व्यक्त हो जाती है कि संभवतः ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, तो संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। अब आप देखेंगे इसकी गणितीय परिभाषा में, जब किसी प्रयोग या घटना के कुल संभव n परिणामों में से उस प्रयोग के अनुकूल हों, उस प्रयोग के अनुकूल हों तो n व n का अनुपात उस घटना या प्रयोग की प्रायिकता कहलाता है। क्या परिभाषा हुई? जब किसी प्रयोग या घटना के कुल संभव n परिणामों में से m परिणाम उस प्रयोग के या उस घटना के अनुकूल हो तो m व n का अनुपात उस घटना या प्रयोग की प्रायिकता कहलाता है। इसे p से व्यक्त करते हैं, तो प्रायिकता का जो सूत्र बनेगा वो सूत्र देखिए, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। प्रायिकता का सामान्य सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। अब क्योंकि प्रायिकता को पी से व्यक्त करते हैं तो प्रायिकता पी बराबर अनुकूल परिणाम होते हैं एन और कुल संभव परिणाम होते हैं एन, पी बराबर एम बटे एन, ये प्रायिकता का सूत्र हो गया। इसमें पी बराबर प्रायिकता, एम बराबर अनुकूल परिणाम, एन बराबर में कुल संभव परिणाम।
इस तरीके से ये प्रायिकता की एक परिभाषा रही। अब हमें आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे थोड़ा। देखिए पॉइंट नंबर दो है हमारा, यदि कोई घटना ए हो तथा इसके न घटित होने की घटना ए नहीं हो तो इन दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव एक होता है, अर्थात घटना ए की प्रायिकता को हो गई पी कॉस टाइम में ए प्लस पी कॉस टाइम में ए नहीं, और इन दोनों घटनाओं की प्रायिकता का योगफल होगा एक के बराबर। पी कॉस टाइम में ए प्लस पी कॉस टाइम में ए नहीं, इन दोनों घटनाओं की प्रायिकता का योगफल होगा एक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी कॉस टाइम में ए प्लस पी कॉस टाइम में नहीं की जगह एक के ऊपर माइनस का चिन्ह लगा देंगे और इनका योग बोले। इस तरीके से भी हम इनको व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें ए कोई भी घटना है और ए नहीं उसके न घटित होने की घटना है। अब इस पर यदि हमें परीक्षा में सवाल मिलेगा तो एग्जाम्पल कैसे मिलेगा देखो, यदि पी कॉन्स्टेंट में ए बराबर 0.992 हो तो पी कॉन्स्टेंट में ए माइनस का मान ज्ञात करो। ये अभी हमारी जो सप्लीमेंट्री की परीक्षा हुई थी 2020 में, उसमें ये सवाल आया था इसमें से एक नंबर का, तो आपको कैसे इसको हल करना होगा। पहले तो उसको लिखेंगे चूंकि पी कॉन्स्टेंट में ए प्लस पी कॉन्स्टेंट में ए माइनस बराबर ए, अब क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा पी कॉन्स्टेंट में ए माइनस बराबर एक माइनस पी कॉन्स्टेंट में ए, ये हो जाएगा पी कॉन्स्टेंट में ए माइनस बराबर एक माइनस 0.992। इसकी बाकी निकालेंगे दिया जाएगा 0.008, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी ए नहीं की। इस तरीके से इस सूत्र की सहायता से हमारे बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का सवाल हमें आ सकता है, इसलिए ऐसे सवालों को आपको इस सूत्र की सहायता से हल करना होगा। अब आप देखेंगे अगला हमारी जो परिभाषा थी उस परिभाषा में हमारा था प्रयोग या घटनाएं, तो प्रयोग या घटनाओं को कुछ भाषाओं में विभक्त किया गया है। प्रयोग या घटनाएं, इसमें पहली घटना आती है हमारी प्रारंभिक घटना, प्रारंभिक घटनाएं, तो किसी पहले या बॉक्स से या बॉक्स में रखी वस्तुओं में से कोई एक वस्तु का स्वैच्छिक रूप से याद रक्षा रूप से बाहर निकालना प्रारंभिक घटना से ही आती है।
प्रधानमंत्री के बदलाव की श्रेणी में आती है। देखो कभी कभी हमें ऐसा प्रयोग या कोई ऐसी घटना करनी होती है कि हमें पहले से ही किसी थैले या बॉक्स में या डिब्बे में या जार में रखी पहले से कोई वस्तु होती है और उन वस्तुओं में से हमको बिना देखे, यादरक्षा का मतलब होता है बिना देखे, जिसको रैंडम सिस्टम कहते हैं, तो हमें यादरक्षा रूप से बाहर निकालना, यदि हमको ये प्रयोग कर रहे हैं कि हम थैले में बॉक्स में रखी कोई एक वस्तु निकाल रहे हैं, तो जब ऐसा कोई प्रयोग हम कर रहे हैं तो उससे संबंधित जो घटनाएं हैं वो प्रारंभिक घटनाओं की श्रेणी में आती हैं और इन प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल एक होता है। तो हमें एक तो परिभाषा ध्यान रखनी होती है कि भाई प्रारंभिक घटनाएं क्या होती हैं। प्रारंभिक घटनाओं में मैंने आपको बता दिया कि किसी थैले या बॉक्स में किसी जार में रखी वस्तुओं में से कोई एक वस्तु का हम यादरक्षा रूप से एक वस्तु को यादरक्षा रूप से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो घटनाएं जो आती हैं वो प्रारंभिक घटनाओं की श्रेणी में आती हैं और इन प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योगफल है वो सदैव एक होता है। अब कैसे होता है वो मैं आपको एक सवाल के माध्यम से बता रहा हूँ। एग्जाम्पल में एक थैले में दो लाल व तीन नीली गेंद रखी गई थी। उसकी क्या प्रायिकता है कि वह नंबर एक लाल है और नंबर दो नीली। क्या प्रयोग है हमारा कि एक थैले में दो लाल व तीन नीली गेंद रखी है, इनमें से एक गेंद यादरक्षा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल है और दूसरी नीली है। ऐसे हल करेंगे। देखो हल में पहले में रखी कुल गेंद बराबर, ये गेंद हो गई 2 + 3 = 5, इसलिए कुल संभव परिणाम और कुल संभव परिणाम को एन से व्यक्त करते हैं, एन बराबर 5 हो गया। अब नंबर एक में अपन को लाल की प्रायिकता निकालनी है और चूंकि नीली गेंद बराबर लाल गेंद बराबर दो, इसलिए अनुकूल परिणाम औसतन में एन बराबर 2 और पी बराबर में एन बटे में 2/5 इसकी प्रायिकता हो गई। अब हम दूसरे की प्रायिकता निकालेंगे और चूंकि नीली गेंद बराबर 3, इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर 3 और पी बराबर में n/n पी बराबर में ये आ गया 3/5, ये नीली गेंद की प्रायिकता आ गई और ये जो है वो लाल गेंद की प्रायिकता आ गई।
अब ये दोनों घटनाएं जो है काल में घटना श्रेणी में आती है और आप उत्तर ही याद कर सकते हैं। तो पी कोस में लाल प्लस पी कोस में नीली, इन दोनों घटनाओं की लायकताओं को यदि हम जोड़ें, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था कि प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव एक होता है, तो लाल की प्रायिकता तो है 2/5, नीली की प्रायिकता है 3/5, 5 मतलब आ गया, तो 2 + 3 = 5/5, 5 से 5 कट गया 1/2, तो ये इनकी प्रायिकताओं का योगफल 1 आ गया। इस तरीके से हम किसी भी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की जितनी भी प्रायिकताएँ हैं उन सब पर कभी यदि योग करें तो उनका योगफल हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से बच्चों आज हम प्रश्नावलि 18 की शुरुआत की हमने, ये आप आते हैं इसका रिवाइज करते रहें, अपनी देर पौधे में इनको उतारते रहें और कल के वीडियो में हम इससे आगे की आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।